नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा। आज है 26 नवंबर, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। चर्चित आईपीएस कुंदन कृष्णन की घर वापसी। भारत सरकार ने कुंदन कृष्णन को बुलाया बिहार। कुंदन कृष्णन अब बिहार में देंगे अपनी सेवाएं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का बयान, 2473 फार्मासिस्ट की बहाली प्रक्रिया जल्द होगी। तकनीकी सेवा आयोग को भेजी गई अभियाचना। शिक्षकों की हाजिरी अब 3 बार होगी, 1 दिसंबर से लागू हो जाएगा ये नियम। अनुपस्थिति पर होगी कड़ी कार्रवाई। साइबर अपराध से निपटने के लिए सख्त तैयारी, पुलिस कर्मियों के लिए बनेगी साइबर कमांडो विंग। साइबर कमांडो के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट अनिवार्य। दाखिल खारिज के माध्यम से अपने नाम करवाए जमीन, ऑनलाइन मिल रही सुविधा। आवेदन करते समय इन बातों का रखें खास ध्यान। और भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 295 रन से हराया। भारतीय टीम ने कई रिकॉर्ड किए अपने नाम। स्टेडियम में औंधे मुंह गिरा ऑस्ट्रेलिया। खबरें विस्तार से। भारतीय तटरक्षक बल ने मल्टीटास्किंग स्टाफ और ड्राफ्ट्समैन पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इस भर्ती के तहत इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 15 दिसंबर 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। ड्राफ्ट्समैन पद के लिए उम्मीदवार के पास सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मरीन इंजीनियरिंग या नेवल आर्किटेक्चर में डिप्लोमा होना चाहिए या फिर मान्यता प्राप्त संस्थान से ड्राफ्ट्समैनशिप का सर्टिफिकेट होना चाहिए। एमटीएस चपरासी की बात करें तो उम्मीदवार के पास 10वीं या इसके समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। साथ ही ऑफिस अटेंडेंट के रूप में 2 साल का अनुभव भी जरूरी है। आवेदन पत्र केवल साधारण या स्पीड पोस्ट के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। उम्मीदवारों को अधिसूचना में दिए गए प्रारूप के अनुसार आवेदन पत्र भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ पता, निदेशालय भर्ती, तटरक्षक मुख्यालय, तटरक्षक प्रशासनिक परिसर, C1 फेज 2 औद्योगिक क्षेत्र, सेक्टर 62, नोएडा, UP 20130091 के पते पर भेजना होगा। ज्यादा जानकारी के लिए इसके अधिसूचना को भी आप देख सकते हैं। बिहार कैडर के चर्चित आईपीएस अधिकारी कुंदन कृष्णन की घर वापसी हो रही है। जी हां, भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने बीते दिन एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत आईपीएस कुंदन कृष्णन को उनके होम कैडर यानी कि बिहार वापस बुलाया गया है। फिलहाल वे केंद्रीय सुरक्षा बल यानी कि CISF में ADG पद पर तैनात थे। अब वे बिहार में अपनी सेवाएं देंगे। कुंदन कृष्णन 1994 बैच के बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं और बिहार के नालंदा जिले के रहने वाले हैं। वर्ष 2005 में जब बिहार में राष्ट्रपति शासन था, तब उन्होंने पटना के SSP के रूप में अपनी काबिलियत साबित की थी। बिहारी बर्थडे में आज बात होगी इतिहासकार रामशरण शर्मा के बारे में। रामशरण शर्मा का जन्म 26 नवंबर 1919 को बिहार के बेगूसराय जिला में हुआ था। रामशरण शर्मा ने 115 से ज़्यादा किताबें लिखी जो 15 भाषाओं में अनुवादित हुई। उनकी प्रमुख पुस्तकों में विश्व इतिहास की भूमिका, शूद्रों का प्राचीन इतिहास, प्राचीन भारत में राजनीतिक विचार एवं संस्थाएँ, मध्य गंगा क्षेत्र में राज्य की संरचना, भारतीय सामंतवाद, प्रारंभिक भारत का आर्थिक और सामाजिक इतिहास, प्रारंभिक भारत का परिचय, प्राचीन भारत के पक्ष में, प्राचीन भारत में भौतिक प्रगति एवं सामाजिक संरचनाएं, भारत के प्राचीन नगरों का पतन, भारत में आर्यों का आगमन, पूर्व मध्यकालीन भारत का सामंती समाज और संस्कृति, आर्य एवं हड़प्पा संस्कृतियों की भिन्नता, भारतीय इतिहास आदि है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बीते दिन महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य में 2473 फार्मासिस्टों की बहाली प्रक्रिया जल्द ही पूरी की जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने बिहार तकनीकी सेवा आयोग को अधियाचना भेज दी है और बहाली प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस पहल से युवाओं को रोजगार मिलेगा और सरकारी अस्पतालों में मरीजों की देखभाल में भी सुधार होगा। साथ ही उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि दोनों नेताओं के नेतृत्व में राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं। सर्दियों में फ्रिज का इस्तेमाल करते समय आपको कुछ अहम बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका फ्रिज सही ढंग से काम करे और लंबे समय तक चले। विशेषज्ञों के अनुसार फ्रिज को दीवार से दूर और हवादार स्थान पर रखना चाहिए ताकि कंप्रेसर पर अतिरिक्त दबाव ना पड़े। उसे हीटर या अंगीठी जैसे गर्म जगह से दूर रखना चाहिए। इसके अलावा फ्रिज की नियमित सफाई करें। वोल्टेज स्टेबलाइजर का उपयोग भी जरूरी है ताकि बिजली के उतार चढ़ाव से बचा जा सके। तो इन आसान उपायों से फ्रिज की कार्यक्षमता बढ़ाई जा सकती है।
शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए एक नया कदम उठाया है। अब शिक्षक की हाजिरी दिन में 3 बार ली जाएगी, जो 1 दिसंबर से लागू होने की संभावना है। तीसरी हाजिरी औचक होगी, यानी कि जिलाधिकारी या शिक्षा विभाग के अधिकारी किसी भी समय स्कूल में जाकर उपस्थिति चेक कर सकते हैं। यदि कोई शिक्षक गायब पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये कदम शिक्षकों की नियमित उपस्थिति को सुनिश्चित करने को और बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए उठाया गया है। बिहार में पैक्स के प्रथम चरण का चुनाव आज होना है। 8 प्रखंड के 63 पैक्सों में आज वोट डाले जाएंगे। इसके लिए 174 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और मतदान सुबह 7 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक चलेगा। मतों की गिनती 27 नवंबर को की जाएगी। चुनाव के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रत्येक 3 बूथ पर 1 PCCP तैनात रहेंगे, साथ ही प्रत्येक 8 बूथ पर पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल भी तैनात किए गए हैं। पटना जिले में कुल 233 पैक्स हैं और इन पैक्सों में 3 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण का मतदान आज होगा, तीसरे चरण का 29 नवंबर को और पांचवें चरण का 3 दिसंबर को होगा। साइबर अपराध के बढ़ते मामलों को लेकर अब सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों में साइबर कमांडो विंग स्थापित करने की योजना बनाई है, जिससे साइबर अपराधियों से सख्ती से निपटा जा सके। इसके तहत पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों में ऐसे पुलिस कर्मियों के नाम मांगे हैं जो इस विशेष टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं। इसके लिए पुलिस कर्मियों को स्क्रीनिंग टेस्ट से गुजरना होगा, जिसमें सफलता पाने के बाद उनका चयन किया जाएगा। जिन जिलों ने अपने पुलिसकर्मियों के नाम भेजे हैं उनमें लखीसराय, पूर्णिया, पटना, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, भोजपुर जैसे जिले शामिल हैं। जल्द ही बाकी जिलों से भी नामों की सूची मुख्यालय भेजी जाएगी। बात कर लेते हैं बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं PT परीक्षा को लेकर। छात्रों के बीच इस बात को लेकर असमंजस बना हुआ है कि क्या इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन का तरीका अपनाया जाएगा या नहीं। बता दें हाल ही में बीपीएससी के अध्यक्ष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये संकेत दिए थे कि परीक्षा में बदलाव होंगे और 4 अलग-अलग सेट के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके रंग भी अलग-अलग होंगे। इसके अलावा जिलावार बदलाव की संभावना भी जताई गई है। इसी बीच बिहार छात्र एकता मंच के अध्यक्ष दिलीप कुमार ने इस व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी है और कहा है कि UPSC की तर्ज पर आयोग को परीक्षा लेना चाहिए। बिहार पर्यटन में आज बात होगी थाई मठ की। बिहार राज्य के बोधगया में थाई मठ स्थित है। ये मठ बोधगया का एक प्रमुख और शांतिपूर्ण स्थल है, जो न केवल अपनी खूबसूरत वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि भारत और थाईलैंड के बीच सांस्कृतिक संबंधों का भी प्रतीक है। इसकी ढलानदार और घुमावदार छतें सुनहरे टाइलों से बनाई गई है। मठ का मुख्य आकर्षण है भगवान बुद्ध की कांस्य प्रतिमा, जो शांति और ध्यान की प्रेरणा देती है। बोधगया, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, बौद्धों के लिए एक पवित्र स्थान है और थाई मठ यहां आने वाले आगंतुकों के लिए। बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर तेजी से लगाए जा रहे हैं। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने राज्य के 13 जिलों के 7 सर्कल में 35 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की जिम्मेदारी इंटेली स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को सौंपी है। BSPHCL के सीनियर प्रोटोकॉल ऑफिसर ख्वाजा जमाल ने बताया कि अब सरकारी कार्यालयों और आवासों में भी स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जिससे आम उपभोक्ताओं में इस प्रणाली के प्रति विश्वास बढ़ेगा। इसके साथ ही कंपनी उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर के फायदे के बारे में जागरूक करने के लिए घर घर अभियान चला रही है और नुक्कड़ नाटक तथा ऑडियो रील के माध्यम से भी प्रचार कर रही है। जब ट्रेन लेट होती है तो भारतीय रेलवे की ओर से यात्रियों के लिए कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। अगर आपकी ट्रेन खासकर राजधानी एक्सप्रेस या शताब्दी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में हो और 3 घंटे या उससे ज़्यादा लेट हो रही है तो आपको कई लाभ मिल सकते हैं। रेलवे की ओर से इस स्थिति में यात्रियों को मुफ्त में वेटिंग रूम की सुविधा दी जाती है और साथ ही यात्रियों को फ्री में खाना दिया जाता है। इसके अलावा यदि आपकी ट्रेन 3 घंटे से ज़्यादा देरी से चल रही है तो आप अपनी टिकट कैंसिल करवा सकते हैं और आपको पूरा रिफंड भी मिलेगा। यदि ट्रेन को डाइवर्ट कर दिया गया है तब भी आप अपनी टिकट कैंसिल करवा सकते हैं और रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। ये सुविधा केवल उन यात्रियों को मिलेगी जिन्होंने रेलवे काउंटर या ऑनलाइन टिकट बुक किया।
अपने पूर्वजों के नाम की जमीन दाखिल खारिज के माध्यम से अपने नाम कराने की ऑनलाइन सुविधा मिल रही है। इस दौरान कई बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। सबसे पहले बिहार भूमि पोर्टल पर आप स्वयं अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर आवेदन करें, जिससे आवेदन के बाद की प्रक्रिया आप खुद समझ सके। पूर्वज की जमीन वंशजों के नाम आपसी सहमति से संयुक्त रूप से या सभी वंशजों के नाम अलग अलग बंटवारा के आधार पर भी दाखिल खारिज होते हुए जमाबंदी खुल सकती है। आवेदन के लिए पहले के जमाबंदी रैयत के जमाबंदी का ऑनलाइन होना और म्यूटेशन होने वाले खाता खेसरा और जरूरी रकबा का होना जरूरी है। अगर पूर्वजों की जमाबंदी ऑनलाइन नहीं है या ऑनलाइन सभी खाता खेसरा रकबा नहीं दिखाई देती है तो परिमार्जन प्लस के जरिए सबसे पहले से ऑनलाइन करवाएं। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण राज्य में ठंड का असर और भी बढ़ेगा। पटना स्थित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार समुद्र तल से करीब 3.8 किलोमीटर ऊपर एक चक्रवर्ती परिसंचरण बन रहा है, जिसका असर आने वाले दिनों में राज्य के मौसम पर पड़ेगा। इस कारण से 26 नवंबर से यानी कि आज से आसमान में आंशिक बादल तो दिख सकते हैं, लेकिन मौसम जो है शुष्क रहेगा। सुबह के वक्त घना कुहासा और शाम के समय ठंडी हवाओं के कारण लोग सर्दी से परेशान होंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर में 11 से 14 दिसंबर तक एक अहम राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन होने जा रहा है। इस कार्यशाला का विषय है कृषि मौसम विज्ञान और ये अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के तहत एग्रो मेट्रोलॉजिकल रिसर्च एंड सर्विसेज पर आधारित होगी। कार्यशाला में देश भर के 29 राज्यों के कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक और केंद्र सरकार के विभिन्न संस्थानों के विशेषज्ञ भाग लेंगे। कुलपति डॉक्टर पीएस पांडे ने बताया कि जलवायु परिवर्तन के कारण फसलों पर पड़ने वाले प्रभाव, फसल सिमुलेशन मॉडलिंग और कृषि जलवायु पर संसाधनों पर इस कार्यशाला में विस्तृत चर्चा की जाएगी। TRAI ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिसका सीधा असर टेलीकॉम यूजर्स पर पड़ेगा। TRAI ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को आदेश दिया है कि वे अपनी वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप्स पर भूस्थानिक कवरेज मानचित्र प्रदान करें, ताकि यूजर्स को उनके इलाके में उपलब्ध नेटवर्क सर्विस की सही जानकारी मिल सके। इस निर्देश के तहत अब एयरटेल, जियो, वोडाफोन और अन्य टेलीकॉम ऑपरेटर्स को ये सुनिश्चित करना होगा कि वे अपनी वेबसाइट्स पर इन क्षेत्रों के बारे में जानकारी दें जहां उनके नेटवर्क की कवरेज है। इससे ग्राहकों को अपने इलाके में सही नेटवर्क और उसकी गुणवत्ता के बारे में सही जानकारी मिल पाएगी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA 26 नवंबर 2024 से यानी आज से JEE मेंस 2025 के लिए सुधार विंडो खोलने जा रही है। जिन उम्मीदवारों ने पहले ही आवेदन किया है और कोई गड़बड़ी हो गई है और वे अपने आवेदन में सुधार करवाना चाहते हैं तो वे आधिकारिक वेबसाइट हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए इस वेबसाइट के माध्यम से 26 यानी कि आज और 27 नवंबर के बीच बदलाव कर सकते हैं। बता दें इस साल साढ़े बारह लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। बता दें JEE मेन सेशन 1 का आयोजन 22 से 30 जनवरी 2025 तक होगा। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएंगी। पहली पाली सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली जो है दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगी। केंद्रीय मंत्री और मुंगेर से JDU सांसद ललन सिंह ने हाल ही में दावा किया था कि मुसलमान JDU को वोट नहीं देते हैं। इस पर विपक्षी दलों खासकर RJD ने उन्हें घेर लिया है। अब ललन सिंह ने इस बयान पर सफाई देते हुए कहा कि उनका उद्देश्य बिहार के समाज के हर वर्ग के उत्थान को लेकर है, न कि वोट बैंक की राजनीति। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार पिछले 19 सालों से बिहार के हर तबके के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए काम कर रहे हैं और ये काम जारी रहेगा, चाहे मुसलमान वोट देते या नहीं देते। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान राष्ट्रीय जनता दल राजद ने बढ़ाए गए आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग उठाई। पार्टी ने भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी और विधि व्यवस्था को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति बनाई है। राजद ने विधानसभा में विरोध प्रदर्शन करने और जनहित के मामलों में सरकार पर दबाव बनाने का निर्णय लिया है। पार्टी का प्रस्ताव है कि बढ़ाए गए आरक्षण को लागू करने के लिए बिहार विधानमंडल में प्रस्ताव लाकर इसे केंद्र सरकार को भेजा जाए। बता दें इस बैठक में तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, अब्दुल बारी सिद्दीकी और अन्य नेता भी मौजूद रहे।
बिहार बीजेपी आज यानी मंगलवार को संविधान दिवस धूमधाम से मनाएगी। इस अवसर पर प्रदेश कार्यालय से लेकर जिला कार्यालय तक भव्य समारोह का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व विधायक मनोज शर्मा ने बताया कि समारोह में संविधान के प्रति और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। पूर्व विधायक शर्मा ने बताया कि संविधान दिवस के समारोह के बाद 26 नवम्बर से लेकर 26 जनवरी 2025 तक बिहार बीजेपी का संविधान गौरव महोत्सव जो है निरंतर चलता रहेगा। इसके अलावा प्रबुद्ध नागरिकों और विद्वान जनों द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जीवनी पर वाचन किया जाएगा और इस पर गहरी चर्चा की जाएगी। इधर जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर ने उपचुनाव परिणाम के बाद प्रेस वार्ता में पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि जब उन्होंने बिहार में अभियान शुरू किया था तब भी लोग इसे चुनौती नहीं मानते थे। उन्होंने कहा कि अभी जो परिणाम आया है वे विशेषज्ञों के पूर्वानुमानों के विपरीत आया है। प्रशांत किशोर ने यह भी स्पष्ट किया कि वे अपने संकल्प से पीछे नहीं हटेंगे और 2025 में 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जनता तय करेगी कि कौन सरकार बनाएगा। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पर्थ के ऑप्स स्टेडियम में खेले गए पहले टेस्ट मैच में 295 रन से मात दी है। यह पर्थ में भारत की दूसरी टेस्ट जीत है। इससे पहले 2008 में भारत ने कंगारू टीम को 72 रन से हराया था। ये जीत भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक नई उपलब्धि बनकर उभरी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के मैदान पर भारतीय टीम की ये अभूतपूर्व सफलता है। आपको बता दें कि पर्थ के स्टेडियम में ये ऑस्ट्रेलिया की पहली हार है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ 4 टेस्ट मैच खेले थे और 4ों में जीत दर्ज की थी। इस ऐतिहासिक जीत के साथ भारतीय टीम ने कई महत्वपूर्ण रिकॉर्ड जो है अपने नाम किए। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन सन 1949 में आजाद भारत के संविधान पर संविधान सभा के अध्यक्ष ने हस्ताक्षर किया था। आज के दिन सन 1960 में भारत में पहली बार कानपुर एवं लखनऊ के बीच SDT सेवा शुरू हुई थी। आज के दिन सन 2008 में भारत के मुंबई नगर में आत्मघाती आतंकवादी हमला हुआ था। आतंकवादियों ने ताज होटल में घुसकर अनेक अतिथियों को बंधक बना लिया। इसे भारतीय सेना ने 3 दिनों की कार्रवाई के बाद मुक्त करा लिया था। और आज ही के दिन सन 2012 में अरविंद केजरीवाल ने एक नई राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी का गठन किया था। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक फर्जी अनुमोदन पत्र तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है किसी HPCL और एक LPG एजेंसी डीलरशिप प्रदान करने के लिए जारी किया गया है। आपको स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये अनुमोदन पत्र पूरी तरह से नकली है। अगर आप इस तरह की किसी भी जानकारी या डीलरशिप के बारे में सोच रहे हैं तो सावधान रहें। PIB फैक्ट चेक ने भी इस खबर को फर्जी करार दिया है। अगर आप आधार कार्ड में कुछ अपडेट कराना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। UIDAI ने आधार कार्ड में अपडेट करने की अंतिम तारीख 14 दिसंबर निर्धारित की है। इस तारीख तक आप अपने ID प्रूफ और एड्रेस प्रूफ जैसे दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। नाम में बदलाव के लिए गैजेट पेपर की ज़रूरत होगी, जबकि अन्य बदलाव के लिए भी सपोर्टिंग दस्तावेज देने होंगे। जन्मतिथि में बदलाव के लिए आपको नज़दीकी सेंटर पर जाना होगा, क्योंकि ये बदलाव जो है ऑनलाइन नहीं किया जा सकता। UIDAI ने ये कदम धोखाधड़ी से बचने के लिए उठाया है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC बिहार पुलिस दारोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास बिहार स्पेशल, विज्ञान करेंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारा पहला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए है कुरुक्षेत्र, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है उज्जैन और ऑप्शन डी है अहमदाबाद। इसका सही उत्तर होगा कुरुक्षेत्र। हाल ही में भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में ज्ञान कुंभ की शुरुआत हुई है? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है लद्दाख और ऑप्शन डी है पुडुचेरी। इसका सही उत्तर होगा पुडुचेरी। आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन ने महिला क्रिकेट संचालन का मेंटर किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन ए है मिताली राज, ऑप्शन बी है हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन सी है स्मृति मंधाना, ऑप्शन डी है झूलन गोस्वामी। इसका सही उत्तर होगा मिताली राज। भारत का वे प्रथम राज्य जिसने भूमि सुधार कानून बनाया? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है बिहार और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर होगा बिहार। भारत के संविधान में पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है हिमाचल और ऑप्शन डी है बिहार।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है वेद प्रकाश सिंह, मुन्ना प्रसाद, नुनू गोलू कुमार, अरशद अंसारी, मोहम्मद जेम्स, मोती लाल कुमार, अनवर करीम खान, रंजीत मिश्रा, आर के यादव, गोलू कुमार, मोहम्मद साकिर हुसैन, राजकिशोर महतो, छोटू रजा, सुकांत शंकर, संतोष कुमार सुमन, राजीव कुमार, नौसाद रजा, संजीव कुमार, रवि मोहन वर्मा, अतीक खान, स्वाजंद ठाकुर, बबलू कुमार, राम सागर पासवान, शिव शंकर, बबलू कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके विचार में गरीबी कम करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या हो सकता है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए बिहारी न्यूज़ देखते रहिए, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।